रमंदी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी साफ हो जाएगा, कांग्रेस हार से हताश है, कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भी सूपड़ा साफ होने वाला है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हार से हताश है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में मंच भर जाता है, नीचे कुर्सियां खाली रह जाती हैं, उनको बैलेंस करना पड़ेगा, कुर्सियों पर भी लोग बैठे। कांग्रेस हारती है तो बदनाम करने का काम करती है। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल के साथ कई प्रदेशों में कांग्रेस सिमट गई है। वहीं इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नवाचार के लिए अगर कुछ आता है तो वह बहुत अच्छा है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कांग्रेस की, ऊपर मंच भर जाती है, नीचे कुर्सियां खाली पड़ी रहती है, तो उसको तो बैलेंस करना पड़ेगा कि कुर्सियों पर बैठने वाले भी बचे। बदली हुई परिस्थिति में, बदले हुए सोशल मीडिया के प्लेटफार्म, बदला हुआ इलेक्ट्रॉनिक, और उसके लिए मंत्रियों की कार्यकुशलता और नवाचार, बाकी के प्रदेशों से हमारे मंत्री साथियों को, हमारे यहाँ से दूसरे साथियों को, केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से नवाचार के लिए अगर इमेज बिल्डिंग की कोई बात आती है तो बहुत अच्छा है, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कैबिनेट में कहा भी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पंचायत के साथ सीधा संवाद हुआ था, अब नगर पंचायत के प्रतिनिधियों से सीएम शिवराज सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने लव जिहाद मामले को लेकर कहा कि लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और अन्य शादियों के पंजीयन वाली संस्थानों के पास जब शादी की जानकारी आए तो उसे ये संबंधित थाने में वेरिफिकेशन के लिए दें। हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है, ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें एक महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं रोकने में एक कारगर कदम और होगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।